एक्सपो के अंदर आया हूँ, आपको दिखाता हूँ पेरू पवेलियन। ये देख सकते हो, ये पेरू है, ये पेरू है, ये देख सकते हो, ये पेरू इस टाइप से बने हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इधर मैं दिखाता हूँ, ये है बाहर से और रात को और भी खूबसूरत होता है। ये रेस्टोरेंट है नीचे, मैं इसके अंदर लेके जाता हूँ। अभी देखें सब जा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट है, generation upon generation. Its laws and ties bring us together as brothers and sisters through the timeless wisdom of our ancestors. And when the new bridge is completed, we celebrate. Our wisdom and tradition transcend us into the news. फिर देख सकते हो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। According to our ancestors, the cosmos is divided into the underworld, the earthly world, and the upper world. Come with us on a journey that begins at the roots of our land and finds its way out. आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और देखें और दोस्तों में शेयर भी करें। ये जानवर है पेरू का, इसका जो ऊन है, इसके जो खाल ऊन होते हैं ना, जैसे भेड़ का ऊन बनता है, इसका भी ऊन बनता है, लेकिन इसके बाल जो है 50,000 रुपये के जी बिकते हैं। बहुत ही कॉस्टली जानवर है। चलता हूँ, क्या क्या बनता है यहाँ दिखाता हूँ, क्या क्या होते हैं देख सकते हैं। मक्का है, आलू भी है, कैसे कैसे होते हैं।
टच भी नहीं, सेंसर है, सिर्फ वहाँ पे इशारा करोगे तो वो काम करेगा। देखो अरे माँ, सिर्फ वहाँ पे इशारा करना है बस। खाली वहाँ पे इशारा करने से वो चलता, टच भी नहीं है। देखे देख सकते हो, ये सेंसर मशीन है, टच भी नहीं करना बिना टच का। अभी तक हम लोगों ने टच वाले देखे थे, ये बिना टच वाले भी आ रहे हैं। देख सकते, सिर्फ आप इशारा करोगे वो चलेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए बिना टच वाली मशीन मैंने आपको दिखा दिया, अभी टच भी नहीं करना, इशारा से चलेगा।